टाकिंग ऑफ एनदर एस्पेक्ट इन क्वालिटी एंड रेलिवेंस इन एजुकेशन विच इज वेरी प्रोमनेंट इज द रेलिवेंस यानि बहम ताल्लुक लिंक चीजों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है जो कि नसाब में और मार्केट में और जो लोगों को एम्पावर करेंगी इस एजुकेशन के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द प्रोवेंस लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज बिन लिमिटेड टू हार्ड टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स कि हम ये देखते हैं कि जो रेलिवेंस है एजुकेशन की वो किस लिए है खास टेक्निकल और हार्ड स्किल्स जो है उन तक मतलब है यानी वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो कि बड़ी टेंचेबल और बड़ी जो है सामने आती हैं कि अगर आप यूं करेंगे तो ये करने के काबिल हो जाएंगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तजर्बा करने के काबिल हो जाएंगे लेकिन ज़रूरियात जो है वो अब डिफरेंट हैं और हमें देखते हैं कि तमाम प्रोग्राम जो इसके तहत इनिशियेट किए गए थे वह अब प्रेक्टिकली शेल्फ हो चुके हैं यानि वह जो है अपसेलीट हो चुके हैं इस माहौल से दूर हो चुके हैं उनकी अब वह जरूरियात वैसी बाकी नहीं रही हैं रेलिवेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम देखते हैं कि क्वालिटी रिलेटेड इनपुट्स जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा है कि ये सिर्फ जो है वो हार्ड स्किल्स को सीखने का नाम नहीं बट के सॉफ्ट स्किल्स की बात भी है जिसमें कम्युनिकेशन आ जाती है जिसके हम यदि देखते हैं कि पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आ जाती है ग्रूमिंग आ जाती है और ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं कि बच्चों को आने वाले वक्त के लिए जिसके अंदर वो प्रोफेशनल लाइफ्स में जाते हैं उसके लिए तैयार करते हैं जहां उनकी पजीराई जो है वो इन चीज़ों से बढ़ जाती है करंट सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो कि ये देखें कि ड्रॉप आउट्स वो बच्चे जो स्कूल छोड़ गए जो तलीम छोड़ जाते हैं वो कैसे ग्रेजुएट्स हैं और फिर उसका जो है सिस्टम के ऊपर क्या असर है सो ऐसी कोई फीडबैक हमारे पास नहीं है और जो तमाम जो हमारे पास आउटकम्स uh, की जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड हैं और बिल्कुल जो है वो कमज़ोर है इवन हमारे पास अगर कोई एविडेंस मौजूद भी है तो हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है कि इसके असरा क्या है मार्केट से क्या रिलेवेंस है इन कोर्सेज की इस करिकुलम की जब वो लोग जॉब्स में जाते हैं ये भी डिटरमिन नहीं किया गया एक सिस्टमेटिक मैनर में और स्पेशली इस तरह से कि जब हम कोर्सेज को प्रिपेयर कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल पे तो उसको बिल्कुल भी मलहूज खातर नहीं रखा जाता कि प्रैक्टिकली दीज सब्जेक्ट्स दीज कोर्सेज आर नीडेड और नॉट और ट्रेडिशनली हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अंग्रेजी ज़ुबान के ऊपर फोकस करते रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अंग्रेजी ज़ुबान के बाद आप एक वाइट कॉलर जॉब जो है उसके अंदर आ जाते हैं और आपकी सोशल मोबिलिटी और टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि इन टेक्निकल स्किल्स के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो अप्रोच की इन्हासमेंट की है वो ठीक तरह से उसको जो है वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स के अंदर जो असिस्ट करना है उसको डेवलप करने का इसको सही तरह से लेके नहीं चला गया और ना ही देखा गया है कि इससे एबिलिटी यानी जहनी सलाहियतें क्या बढ़ रही है और फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स किस तरह से बढ़ रही हैं सो so, किसी हद हाँ तक अगर ये जस्टिफाइड भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज अ वीजा टू वर्ड दी वाइट कॉलर जॉब्स लेकिन जो प्रोसेस है वो अभी तक उस तरह का सामने नहीं आया जिससे वाकई ही इससे कोई फायदा हासिल किया जा सके टेक्निकल स्किल्स के जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्कूलों के वो भी मार्केट बेस्ड नीड्स पे नहीं हैं और फिर लैक ऑफ फंड और एक्सपर्टीज की वजह से वो सस्टेन भी नहीं हो पाते यानी एक तो हम ये नहीं देख पाते कि जरूरत भी है इन प्रोग्राम्स की और दूसरा अगर वो उनको मुनकद कराया भी जाता है तो फंडिंग और दूसरी वजूहत की बिना पर वो रुक जाते हैं और उसके बाद प्रोसेस जो है जो निसाब बनाने का है और निसाबी कुतब को जो है वज़ा करने का है उनको डेवलप करने का है और ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी का भी वो बिल्कुल भी जो मार्केट की फीडबैक है जो हम देखते हैं कि जिस चीजों की जरूरत है जिनकी डिमांड है जिन प्रोफेशंस की उनको देख के नहीं किया जा रहा सो so जो सारा सिस्टम है वो बिल्कुल इट इज काइंड ऑफ डिवोर्स फ्राम द कॉन्टेक्सट ऑफ द मार्केट एंड द प्रोफेशनल लाइफ्स ऑफ पीपल अब स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं इसको इम्प्रूव करने की हम देखते हैं पहली बात तो यह है कि ट्रेस स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए स्कूल आउटकम्स को जो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के, के हों तो हम एक इंडिविजुअल जो हर स्टूडेंट है उसमें देखें कि क्या डेवलपमेंट हो पाई क्या चेंजेस आ पाई हैं स्कूलिंग के बाद और फिर सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी और एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी शामिल करें हम करिकुलम बनाने के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर और असेसमेंट्स के अंदर हमें यकीन ये चाहिए कि जो कंपनीज हैं जो कि रन कर रही हैं कॉपरेट सेक्टर को उनसे एक इनपुट लें उनको भी स्टेक होल्डर बनाए सारे प्रोसेस में ताकि बच्चों में वो स्किल्स आ सकें जिसके बाद यकीन उनकी जिंदगी जो हैं वो बेहतरी का शिकार हों